राम राम। सुबह निकला था सैर को, कुछ एक दृश्य मेरी आंखों के सामने आ गए। वही दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूं। मन को बहुत गहरी चोट लगी, इसलिए एक विचार, एक क्वेश्चन मार्क आपके सामने, प्रश्न चिन्ह छोड़े जा रहा हूं। विचार आपने करना है, मंथन आपने करना है। देखिए, हर एक देवता किसी ना किसी ग्रह के साथ जुड़ा है। जैसे बृहस्पति ब्रह्मा जी के साथ, सूर्य जो है विष्णु जी के साथ, चंद्र शिव के साथ, और उसके बाद शुक्र लक्ष्मी के साथ, मंगल हनुमान जी के साथ, और बुध माँ दुर्गा के साथ, शनि भैरव के साथ, राहु देव सरस्वती माता और गणेश जी के साथ केतु देव जुड़े हैं। जब आपके घर में इनका चित्र या मूर्ति खंडित होती है और आप इस तरह से उस मूर्ति को या चित्र को घर से बाहर निकालते हैं, बिना सोचे समझे कचरे का ढेर पास हो वहां पर छोड़ आते हैं, और जरा सा भी आपके मन में ये विचार नहीं आता तो सावधान हो जाइए। उस देवता के साथ जो ग्रह जुड़ा है, जैसा मैंने सूची में बताया है, वो आपका या आपकी आने वाली नस्ल यानी कि आपके बच्चों का खराब हो जाएगा, और आपको कोशिश करने के बाद भी उन चीजों के समाधान नहीं मिलेंगे। अगर आपको मूर्ति रखनी ही है तो चांदी की बनवा के रखें, चाहे छोटी बनेगी लेकिन कम से कम उसे आप कचरे में तो नहीं फेंकेंगे ना, इस तरह से अपने घर से निकालेंगे तो नहीं। यही चीजें आगे जाकर पितर दोष या ग्रहों के बुरे प्रभाव के लिए जिम्मेदार बनती हैं, और हम कई बार अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए भटकते हैं और हमें समाधान नहीं मिलते। अगर इन छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रख लेते हैं तो आपकी कई समस्याओं का समाधान हो जाता है, और साथ में आपकी वजह से कोई ऐसा सनातनी, या आप खुद सनातनी हैं तो आपके धर्म का तिरस्कार भी नहीं होता, और आपकी वजह से किसी दूसरे सनातनी को तंज सुनने को नहीं मिलते, उसका मजाक नहीं उड़ाया जाता, और साथ में हम इतनी उन्नत सभ्यता थी सनातनी, और हम अपने धर्म का हाल क्या करते हैं। जब वो किसी तरह से खंडित हो जाए, खराब हो जाए, तो क्या कचरे में फेंकना इस तरह से उचित है अपने देवी देवता की मूर्त को? विकल्प एक ही है, चांदी की मूर्ति, जो कम से कम आप फेंकेंगे नहीं, कभी नहीं फेंकेंगे, खंडित होगी नहीं, फेंकेंगे ही नहीं, और पितर दोष से आप बच जाएंगे। तो यही विचार मैंने आपके सामने रखने थे, ऐसी आशा करता हूं ये बातें आपके काम आएंगी। जय माता दी।